अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडल वेयर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ ये स्पेशल स्लीव डिज़ाइन शेयर करूँगी। आजकल पफ और कफ का डिज़ाइन बहुत ट्रेंडिंग पर है, तो मैं आपको बहुत सिंपल वे के साथ पफ और कफ डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास स्लीव्स हैं, तो आपकी स्लीव्स की जितनी लेंथ है उसमें से आपने 7 इंचेस लेंथ कम लेनी है। ये 4 फोल्ड हैं मेरे पास लेंथ के। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। हम लेंथ 15 इंच लेंगे, जो कि आपने नीचे से मेजर करनी है। ये 15 इंच पे मैंने मार्क लगा दिया है और इसकी चौड़ाई हम 9.5 इंचेस लेंगे। अब मेरे पास पफ की लेंथ 7 इंचेस बची है, तो मैं 7 इंच लूँगी। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं शोल्डर 9 इंचेस का लूँगी और उस पर मार्क लगाकर इनको आपस में मिला लेंगे। अब शोल्डर की कटिंग के लिए मैं यहाँ पर 2.5 इंच का मार्क लगाऊंगी और इस साइड पे मैं 2 इंचेस का मार्क लगाऊंगी। अब राउंड शेप में इन्हें आपस में मिला देंगे। ये देखें, ये स्लीव की कटिंग का मार्क लग गया है। अब मेरी फिटिंग शोल्डर की 8 इंचेस है, बट मैं 1 इंचेस एक्स्ट्रा लूँगी और यहाँ पर 2 इंच के मार्क से राउंड शेप में मिला लेंगे और ये हमारी पफ की कटिंग होगी। पफ बनाने के लिए हम इन्हें आपस में मिला लेंगे। ये मैंने मिला लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। ये पफ की कटिंग हो गई है। अब शोल्डर की कटिंग से मैं 4 इंच के डिस्टेंस से एक मार्क लगाऊंगी। पफ की चुन्नट के लिए 4 इंचेस पे हमने एक मार्क लगा दिया है। अब मैं आपको कफ की कटिंग बताती हूँ। अब इसकी चौड़ाई हम लेंगे 12 इंचेस और इसकी लेंथ लेंगे हम 8 इंचेस। ये देखिए, मेरी लेंथ 22 है, तो ये पूरी हो चुकी है। अब आप अपने कप का साइज मेजर कर लें। मेरा 10 इंचेस है, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। ये 5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इन्हें आपस में मिलाकर कट कर देंगे। अब ये लूप लगाने के लिए मेरे पास डोरी है, जिसकी लेंथ आप 2 इंचेस लेंगे। तो 2 इंचेस के हिसाब से आपने इसे कट कर लेना है। इसी तरह बाकी सब भी कट कर लें। ये मैंने कट करनी है। ये कफ के सेंटर से हम लगाना शुरू करेंगे। लूप का फेस आप अंदर की तरफ रखेंगे। ये मैंने सब लगा दी हैं। अब इसे सेंटर से कट कर देंगे और यहाँ पर हम लेस लगा देंगे। अब दूसरे फैब्रिक को इसके ऊपर रखकर हम इसकी तीनों साइड पर सिलाई लगा लेंगे।
ये मैंने इसकी तीनों साइड पर सिलाई लगा दी है। ये देखें बिल्कुल गुम सिलाई के साथ मैंने लेस और लूप लगा दिए हैं। अब हम स्लीव पर चुनट्स डालेंगे, उसके लिए एक सिलाई लगा लेते हैं। ये देखें अब मैं चुनट्स डाल रही हूँ। अब दोनों साइड पर 2 इंचेस तक फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगा लें और इन्हें आपस में अटैच कर दें। अब हम सिलाई लगा लेते हैं। अब कफ की दूसरी साइड को इसके ऊपर रखकर एक और सिलाई लगा लेंगे। ये कफ लगा दिया मैंने। अब जहां से मार्क लगाया था वहां से हम पफ की चुनट स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हम इसका रुख चेंज कर देंगे। मार्क तक हम चुनट्स डालेंगे। ये हमारा पफ बिल्कुल रेडी है। अब हम इस पर बटन्स लगाते हैं। लूप रखकर हम बटन के लिए मार्क लगा लेंगे। ये देखें कितना शाइनी बटन है। ये मैंने सब बटन लगा दिए हैं और देखें कितना प्यारा हमारा कफ रेडी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।